पंजाब शो गोल्डन टॉक्स में शिप्रा जी। हाँ, आज बहुत ही रिनॉन पर्सनालिटीज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें आप हर पंजाबी मूवी में ऑलमोस्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा मार खाते हुए, बहुत ज़्यादा हंसाते हुए। तो चलिए, अब एक और मूवी वो लेके आ रहे हैं 13th December को, किटी पार्टी। तो उनसे मिलवाते हैं आपको और जानते हैं इस मूवी में कितनी मार खाई है उन्होंने। सत श्री अकाल सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब TV। सत श्री अकाल जी। मार तो मैंने मार पहले भी पैंदी है जी। क्यों पड़ती है मार आपको? बस जी, वो करैक्टर ही इदा हों जी। मैनू खुशी मिलती है फिर जो लोग जो पब्लिक लाइक करती है मेरी, जे मैनू कोई कुटदा आ तो जे वो कुट स्क्रीन पर मैनू पैंदी आ तो दर्शक देख के हसते हैं ना, तो रियली मैनू बहुत खुशी होंगी अंदरों कि इस कुट नाल मेरा घर चलता। तो मैं कहना हूं भी 2-4 मुक्के होर मार दो, 1,00,000 रुपया होर पा दौ। सर, कुट थोड़ी ज़्यादा तो नहीं पड़ जाती कभी कभी? नहीं, आप लालची नहीं होता जी, उन्नी की खाई दी है जिन्ना के घर रहना चलता रहे का नहीं। हाँ जी। तो सर, अब ये बताइए कि कब से आप ये हंसने हंसाने का हम कह सकते हैं ना कि दौर शुरू हुआ है? हर मूवी में तो हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं आपकी हर मूवी देख कर। मैनू मेरा ख्याल 6वीं 7वीं पढ़ता है जी, मैनू 30-35 साल हो ही गए जी। हाँ जी, एक्सपीरियंस बहुत है हंसाने का। मैं कहा नहीं नहीं, मैं तो हूँ मैं 20-25 साल तक घुगी भाजी ना ही हो गया जी। मेरे वो टीचर है, मेरे गॉडफादर है, उन्होंने ही मेरे उन्होंने घर ही रहा हूँ जी। सो 10-15 साल तो मैं उन्होंने ओनली मैं देखे ही है भी ये करते की है यार सारे, है ना। फिर जाके कि हौसला जहा बनया भी, है ना। वैसे दिस इज़ वेरी टफ जॉब, आम बंदे कह देंगे भी नहीं नहीं कॉमेडी करनी सौखी है, सब तो टफ जॉब, सब तो औखा जड़ा काम है वो सौना है, टफेस्ट जॉब वी कैन से। तो सर, अब ये बताइए, अब आपकी मूवी आ रही है किट्टी पार्टी, उसमें किस टाइप का करेक्टर है आपका और उसमें वो ठगी ठुगी हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा होएगी, तो नॉर्मली किट्टी पार्टीज की जो हमारी पंजाबी लेडीज़ है वो तो बहुत ज़्यादा शौकीन है। मैं तुम वही दादा जी, एक ना तनख्वाह नहीं मिली उतों घर वाली ने जो बचाए बचुए उधर आजाद थे तो बड़ा मतलब औखा हों। फिर वो तो है ही है जी, मेरा मास्टर का रोल आ जी, तो तुम पता सरकार ने भी मास्टर दबिया है तो उत्तों घर वाली ने दबिया है तो कि ना, है ना। वैसे ये जरा दब दबाए आ एक कॉमेडी आ टोटली, कितने नहीं सीरीयसपन जे मैं कि मेरे पेंदियाँ भी है जहाँ मैं अनीता जेब गान मैं तुम्हें है ना एक डायलॉग सुना वो मैंने इतों पढ़ते कहते तेरी जरूरत कितना हुई तू तौलिए हाथ पा लिया है। मैं क्या माफ़ी दे दौ राजे, मैं तौलिया वर्त देनी तू वर्त न छो। मैं कहता नहाँदा ही नहीं, मतलब कि वो नहा नहा तो मुकर गया। मैं कहना नहीं, मैं इदा देखा जो फिर हम ट्रेलर देख दिया तो सारे जने हसन डे तो मैंने खुशी हो रही थी भी कोई गल नहीं। वाइफ से भी कुट खाई है? हाँ जी, वाइफ से भी कुट खाई है मूवी? नहीं 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 नहीं, हाँ मूवी से खाई है नहीं, रियल च नहीं, रियल जो उदा का काम काम हो भी कुटेगी, है ना। पर बाबा नानक ना ही करावे चंगी गल नहीं। मेरी वाइफ सिमरन बहुत नाइस आ, तो एक मेरा पुत्र है सुखलीन, मेरा मेरी धी है। सो मैं तो ना लाया जे कि इंटरव्यू चलनी तो हैगी ना, वो लड़ पाते हैं इंटरव्यू पक्का वहां तक पहुंचेगा। मैं वही कहना पापा मेरा नाम नहीं लिया, अपने मम्मी का नाम लिया। वो मेरी डॉटर जी है ना 3.5 साल की, वो बड़ी मैं पापा मैं नहीं बोलना मेरा नाम नहीं क्यों लिया। फिर मैं ता करके सॉरी। घर में भी आप हीमोग्लोबिन बढ़ाते रहते? पूरा चलता जी ऐ बस, है ना। पर वधिया, मैं देखो जी मैं जिंदगी जिउंदा आ, मैं मशहूर होया अपने लिए, अपने परिवार को पालन लिए, ना कि हुण मैं जिथे मेरा दिल कहते मैं तुर पैना साफा जहा बन के, है ना। मैनू कोई परवाह नहीं जे चार बंदे यही कहणगे ओ, मैं कहना यार चुप करके फोटो करा लो, नो प्रॉब्लम भाई, मैनू खा लैंदे हो तुसीं भी खाओ, नहीं यार लो, है ना। मैं एक एक सैकेंड जिंदगी का मैं इंजॉय करता। आई लव माई फैमिली, आई लव माई बॉडी, मैं अपने आप को प्यार करता सची। कोई ना मैं चुमे तो मैं अपने आप मैं सही गल, मैं अपने आप बहुत प्यार करता और सच्ची गल आ, मैं इन्ना प्यार करता भी मैं कहना भी मैं जीना है, जीना आया मैं मर नहीं आया, तो मैं करजाई कर देना भी मैनू उन्ने की देवे जिन्ना आ दिमाग मेरा ना तुसी मिलो। आप मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम मिले तो मैनू इदा लगता भी जिदा अपने तुसी साढ़े जलंधर दी हाँ,
जिदा भाजी मूवी बना अपना है ना कर रहे हैं कैप्चर तो मैं ये भी लगता भी इन्हों आप क्या आया भाजी वो तुम सैट करना पूरा जित लगा ना वो तो कट देना ना मैं ऐ लगता आपकी कवरेज करने के बाद मुझे लग रहा है हमें अपना हीमोग्लोबिन जाके चेक जरूर करवाना पड़ेगा नहीं 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 मैं तो इंक्रीज हुआ होगा सर पक्का मैं तो जी देखो मैं जिदा कोई गाना नहीं गाँव मैं गाँव का शौक आ जिदा मैं वो गाना ना मैं सुनाइए ठगणी जी ठगणी मोमो ठगणी जी ठगणी ओए हाथ ना किसे दे लगनी जी ठगणी ऐ ठगदी हो सारे नु बहुत मजा आया आपसे बातें करके जाते जाते अपनी मूवी के बारे में एक ब्यूटीफुल सा मैसेज भी दे दीजिए मैसेज मैं बाद दूंगा मेरा का गाना आया सी वो जरूर छड़ शर्म ते संग देख दुनिया दे रंग किन्ने किन्ने खुश लोकी किन्ने किन्ने तंग हो तू केड़ी बल्ले बल्ले विच पै गया सारियां नू लीडरी ना रास आउंदियां बदामां नाल कदे नहीं आउंदी बल्लिया अकल ता शेरा धक्के खा के आउंदियां बदामां नाल नहीं कदे अकल आउंदी ये गल पक्की है किसे झूठ कहता नहीं नहीं मुंडे नू चार बदाम दिओ नहीं तो इदां करके फिर ना ठोकर खा के आउंदी है सो मैं हुण ये कहना चाहुंदा वी किट्टी पार्टी जिहड़ी इह फिल्म है 13 दसंबर नू रिलीज़ होण जा रही है सो मेरा ख्याल है कि तुहानू चुटकले पढ़न की लोड़ नहीं तुहानू चुटकले कि तो सुनने की लोड़ नहीं तो चुप करके थिएटर जायो फैमलियां नू लैके जायो कल्ले ना मेरी गल सुनो भाई साहब कल्ले नहीं जाना तुहानू मैं कह रहा यार कल्ले नहीं जाना तुसीं अपनी फैमिली नाल लैके जाना बच्चे नाल लैके जाना और तुहाडे बच्चियां नाल तुसीं अपनी बेटी नाल इह गल कह सकदे आ बई आह जिहड़ा मास्टर है ना इदां दा अपना मास्टर आ ओए इह गल्लां करोगे लव यू ऑल देखो फिर 13 दसंबर नूं पैंदी खुती जी इंटरेस्टिंग मास्टर होएगा जिसको हम मार खाते हुए देखेंगे 13th of December को तो आपने देखा ये थे हमारे साथ हार्वी संगा जिन्हें आप ऑलमोस्ट हर मूवी में बहुत ज़्यादा हंसते हंसाते हुए देखते हैं तो उन्होंने बहुत ही अपीलिंग सा मैसेज दिया अपनी मूवी के रिगार्डिंग और एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो हमें ये मिला उन्होंने ये कहा कि लव योर सेल्फ अपने आप से प्यार कीजिए तभी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत बन सकती है थैंक यू सो मच कैमरा मैन अमनदीप के साथ शिप्रा भसरीजा टाइम्स पंजाब TV We'll be right back.